हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि मैंने आप लोग को सुबह बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स या वन लाइनर वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, तो आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुँचाना है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ लिए हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैं स्टार्ट करूंगी एकदम बेसिक से, क्योंकि ये कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप सभी लोगों को पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। तो बहुत सारी दवाइयों में लिखा रहता है या IP, BP, ओके, USP, तो इसका मतलब क्या होता है? हम लोग क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे अभी आगे चल के, तो उसमें भी ये IP, BP, UP या दवाइयों के नाम उसमें भी लिखा रहता है। तो काफी लोगों को तो ये पता होगा, ऐसे भी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, IP मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, BP मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो ऐसे ही करके मैं आपके सामने ये लिस्ट शो कर देती हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो ऐसे ही जो UPIP ये सब होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप वहाँ पे एग्जाम में ये वर्ड्स देखे, आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आप लोग के साथ छोटी छोटी बात पहले से ही डिस्कस करना चाहा। तो जैसा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पब्लिकेशन USP, मतलब अगर आपको USP का फुल फॉर्म पता रहेगा तो आप जल्दी से बता दोगे, लेकिन नहीं पता रहेगा तो वहीं पे एग्जाम में कंफ्यूज होंगे। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को ये पॉइंट सबसे पहले बताना चाहिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी आपको है, तभी ये दीदी आप लोग के साथ एक इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन जो छोटे छोटे से रहेंगे शेयर करेंगे। ओके, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय गाइस।